पत्नी तब माँ बन जाती है जब वो पति की रोगी काया की देखभाल करती है। वो तब बहन बन जाती है जब वो उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। वो तब बेटी बन जाती है वो जब प्रेम से खाना परोसती है। वो तब प्रेमिका बन जाती है जब वो बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। और तब वो मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है, एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाती है। पत्नी कभी भी अपने पति से पैसों की इच्छा नहीं रखती। वो बस इतना चाहती है उसका पति उसे प्यार से बात करे, बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल करे, उसको कस कर गले लगाए, काम से थकन होने पर उसका सर दबाए। पैसा तो आता जाता रहता है पर प्यार दिल की तिजोरी में बेशुमार है। जितना पत्नी को दोगे पत्नी उसका दुगना प्यार आपको देगी। पत्नी का कभी भी दिल ना दुखाएं, पत्नी का दिल अपने पास रखें, वो आपका दिल कभी टूटने नहीं देगी। सारा दिन भूखी प्यासी रहती है वो तुम्हारा एक दिन का प्यार पाने के लिए। खुद हजार तकलीफ सहकर भी वो दुआ करती है तुम्हारे जीने के लिए। थोड़ी सी मेहनत और कर लो उसे कुछ छोटा सा तोहफा देने के लिए। कब तक अपनी जेब खाली करते रहोगे शराब पीने के लिए। कभी फुर्सत मिले तो पत्नी से पूछ लिया करो तुम ठीक हो ना। उसे भी तुम्हारा सहारा चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। हर लड़कियों को यह पता होता है कि दुखी होने पर भी अपने माता पिता के सामने कैसे हंसना है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से उसके माता पिता दुखी हो। घमंड ना करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचे उड़ने नहीं देता। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका शुभ चिंतक हो। लाइफ में अगर कोई रोकने टोकने वाला है, चाहे वो दोस्त हो, महबूबा हो, माँ बाप हो, तो उनकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कद्र हमेशा करना। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दान करने से रुपया जाता है लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है समय नहीं, झूठ छुपाने से झूठ छुपता है सच नहीं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।